माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से डीसीए और पीजीडीसीए करने वाले छात्रों के लिए एक जानकारी है कि उनका डीसीए और पीजीडीसीए का रिजल्ट आ चुका है। यदि आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए mcu.ac.in वेबसाइट में जाना है। वेबसाइट में जाने के बाद एग्जामिनेशन इन्फो एंड रिजल्ट में जाना है। इसके बाद हम आपको आगे चल के पूरी जानकारी देंगे कि किसका किसका रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट कैसे देखना है। इसके बाद यहां पर देखिए द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन दिसंबर 2019 और जनवरी 2020। तो इस प्रकार से यहां पर आप क्लिक करेंगे और आपको यहां पर ये रिजल्ट का पैनल ओपन हो गया है जिससे कि आप रिजल्ट देख सकते हैं। यदि आप ऑल एग्जाम रिजल्ट सेलेक्ट कर देते हैं इस बटन पर क्लिक करके तो अब यहां पर सभी का रिजल्ट देखने मिल जाएगा, जैसे कि BCA का रिजल्ट आ गया है, BA का रिजल्ट आ गया, और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं उनका रिजल्ट आ चुका है। लेकिन DCA और PGDCA के लिए हमने ये वीडियो बनाया है तो मेनली आपको यहाँ पर जाना है डिप्लोमा रिजल्ट में। डिप्लोमा रिजल्ट में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे कि DCA लिखा हुआ है और PGDCA और दोनों में सेकेंड सेकेंड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक को आप सेलेक्ट करेंगे और यदि आपको आपके इंस्टीट्यूट का कोड मालूम है तो आप वो टाइप कर दीजिए और सर्च पर क्लिक कर दीजिए तो एक में आपको बैकलॉग का रिजल्ट दिखलाएगा। बैकलॉग का मतलब जो पिछली बार सेकेंड सेमेस्टर में फेल हो गए थे और जिन्होंने सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिया है वो कहलाता है बैकलॉग रिजल्ट। इसी प्रकार से रेगुलर स्टूडेंट का रिजल्ट कौन सा कहलाता है, जिन्होंने एक ही बार अभी पहली बार एग्जाम दिया हुआ है। तो यहां पर जाकर के जो है आप सेलेक्ट करिए और उसके बाद फिर उसके बाद जो है यहां पर सर्च में क्लिक कर दीजिए तो अब जिन स्टूडेंट्स ने एक बार पहली बार एग्जाम दिया है उनको बोला जाएगा रेगुलर स्टूडेंट। तो ये उनका रिजल्ट आप यहां पर देख पाएंगे, ये देखिए उनका रिजल्ट आ गया। इसी प्रकार से पीजीडीसीए सेकेंड सेम और रेगुलर और पीजीडीसीए सेकेंड सेम बैकलॉग का रिजल्ट अभी आ गया है। तो यहां पर डिप्लोमा में क्लिक कर दीजिए और ये देखिए पीजीडीसीए एक हो गया आपका बैकलॉग का और ये हो गया रेगुलर का। इसी प्रकार से अब डीसीए फर्स्ट और पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का भी रिजल्ट एक दो दिन के अंदर आने वाला है।